हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ एक थिंक जैकेट शेयर करने जा रही हूँ, जैसा कि सामने आप देख सकते हो। इसे मैंने मीशो से लिया हुआ था, अंडर 400 मुझे पड़ी हुई थी। और दोस्तों, ये जो जैकेट है, इसमें कई सारे डिज़ाइन थे और भी कई सारे कलर थे। मैंने जो लिया है कुछ इस तरह का डिज़ाइन है, सामने आप देख ही सकते हो। और दोस्तों, ये एक राजस्थानी जैकेट है, हाफ स्लीव है। इसके फ्रंट में दो स्ट्रेप दिया हुआ था जिसे मैंने हटा दिया है। काफ़ी लो क्वालिटी का था, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने कट कर दिया है। बाकी पूरी पूरी जो जैकेट है, देख सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल से डिज़ाइन बने हुए हैं। सबसे बेस्ट पार्ट है कि दोनों साइड इसमें एम्ब्रॉयडरी दी हुई है, जो कि थ्रेड की एम्ब्रॉयडरी है। बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था डिज़ाइन है। दोस्तों, इसमें जो मिरर लगे हुए हैं, फॉयल मिरर लगे हुए हैं, ओरिजिनल मिरर नहीं है। काफ़ी लाइट वेट है, क्योंकि फॉयल मिरर है तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा वेट नहीं है। ओवरऑल देखने में जैकेट बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, स्पेशली फेस्टिव ओकेजन के लिए इस तरह की जैकेट बहुत ज़्यादा काम में आती है। दोस्तों, आज मैं इस जैकेट को दो तरीके से आप लोगों के साथ स्टाइल करके दिखाऊंगी। तो फर्स्ट लुक देख लीजिए। फर्स्ट जो लुक है, कुछ इस तरह का लुक है। यहाँ पे मैंने मेरा एक क्रॉप टॉप है जो कि ऑफ वाइट कलर का, जिसे मैंने मिंत्रा से लिया हुआ था। साथ ही साथ ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी एथनिक एक सीक्वेंस वाली स्कर्ट है, इसके साथ ही मैंने इस जैकेट को पहना हुआ है। मेरे इस पूरे आउटफिट से जो जैकेट है बहुत बढ़िया अच्छे से मैच कर रही थी, बहुत बढ़िया से कॉम्प्लीमेंट कर रही थी। सामने आप देख ही भी सकते हो कितनी ज़्यादा ये ब्यूटीफुल सी लग रही है। और साथ ही साथ दोस्तों, मैंने ये जो झुमके पहने हुए हैं, ये भी मैंने मीशो से ही लिए हुए हैं। ऑलरेडी मैंने आप लोग साथ शेयर किया हुआ है। झुमका भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा लाइट वेट है ये, अंडर 200 मिल जाएगा। दोस्तों, ये जो जैकेट है अंडर 400 के मतलब जैकेट पड़ेगी, उस हिसाब से मुझे प्राइस जो है थोड़ा ज़्यादा लगा मुझे, क्योंकि मीशो पे जाहिर सी बात है चीज़ें बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल मिलती हैं। बट ये वाला जो आउटफिट था, मुझे थोड़ा सा महंगा लग रहा था। मतलब अंडर 300 मुझे ऐसा लगा कि अकॉर्डिंग टू जिस हिसाब से इसकी क्वालिटी है, अंडर 300 इसे होना चाहिए था। इसमें ओरिजिनल मिरर भी नहीं लगे हुए हैं, तो फॉयल मिरर लगे हैं। इस हिसाब से मतलब मीशो पे भी 400 का है, तो मुझे थोड़ा सा कॉस्टली लगा। बट हाँ, काम जो है काफ़ी अच्छे से नीटली मतलब किया गया है। बिल्कुल एकदम जो डिज़ाइंस वगैरह हैं, काफ़ी अच्छे से बढ़िया से एम्ब्रॉयडरी की हुई है, कहीं से भी मिसमैच नहीं है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। सबसे ज़्यादा बेस्ट पार्ट है कि ये जो डिज़ाइन है दोनों तरफ दिए हुए हैं, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। और ओवरऑल ये जैकेट जो है स्पेशली फेस्टिव ओकेजन के लिए तो बेस्ट है। आप स्पेशली नवरात्रि के लिए, दिवाली के लिए आप जरूर कंसिडर कर सकते हो। इस तरह के जो आउटफिट होते हैं काफ़ी ज़्यादा मल्टीपर्पज़ होते हैं, इन्हें कई तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, बहुत बार इन्हें यूज़ करते हैं। और यहाँ आप देख सकते हो, फर्स्ट लुक में दिखा रही हूँ कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आया। बस थोड़ा सा इसका प्राइस और कम होना चाहिए, थोड़ा प्राइस मुझे ज़्यादा लग रहा था। मुझे अगर इसमें ओरिजिनल मिरर लगे होते तो ये जो प्राइस जो था वर्थ था 400, पर चूंकि ये जो मिरर हैं फॉयल मिरर लगे हुए हैं, तो इसके हिसाब से मुझे जो प्राइस है थोड़ा सा मुझे ज़्यादा मुझे लग रहा था। बट जो जैकेट है देखने में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है। इसमें कई सारे साइज अवेलेबल हैं, कई और भी कई सारे कलर हैं, डिज़ाइन है, आपको जो भी पसंद हो आप ट्राई कर सकते हो। मुझे ये वाला डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा था। बीच में जो ये फ्लावर बने हुए हैं, साइड में जो इसमें वर्टिकल लाइन में जो डिज़ाइन है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और यहाँ देख सकते हैं, सेकेंड लुक देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा ये लाइम ग्रीन कलर का अनारकली कुर्ता है, इसे भी मैंने मीशो से ही लिया हुआ है। इसके साथ ही मैंने इस जैकेट को मैंने स्टाइल किया है। ये बेल्ट भी मीशो से ही लिया हुआ है। और पूरा ही लुक जो देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। मुझे ये सेकेंड लुक और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था फर्स्ट वाले से। दोस्तों, इसको कुर्ते को भी जल्दी मैं आप लोगों के साथ इसको भी शेयर करूंगी। और ये जो कुर्ता है मुझे मीशो से लिया, मुझे काफ़ी ज़्यादा मुझे सही लगा। और पूरा जो लुक देख सकते हैं, ये जैकेट इसके साथ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। मतलब मैं 2-3 बार इसको पहन चुकी हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा था। साथ ही साथ ये जो कड़ा बैंगल है, ये भी काफ़ी ज़्यादा मैच कर रहा था, जो कि मल्टी कलर का ही है। पूरा जो आउटफिट है बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। तो दोस्तों, ये जो जैकेट है मस्ट हैव है, आप जरूर ट्राई कर सकते हो। मैंने इसका लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके जरूर चेकआउट करिएगा। मस्ट हैव आउटफिट है फॉर फेस्टिव ओकेजन। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, इसके पहले मीशो की मैंने दो बहुत ही ब्यूटीफुल सी साड़ी, मैंने केप पोंचो जिसे आप बोल सकते हो, मैंने शेयर किया हुआ है। सामने आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो, थंबनेल देख सकते हो। तो मस्ट है भाई, वाली वीडियोज आप जरूर चेकआउट करिएगा। इस तरह की केप मस्ट है फॉर वेडिंग, आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और साथ ही साथ दोस्तों, मैंने लिपस्टिक पर बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मेरे चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हो, मैंने प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है। तो दोस्तों, जल्दी मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।